सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में A1 टेक में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि SBI मुद्रा लोन का जो एरर आता है, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑनलाइन ई मुद्रा लोन, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एंड इस एरर का एक नया अपडेट आया और नया अपडेट में आपको इसका सोल्यूशन भी मिलेगा और आपको इसके रीजन भी मिलेंगे कि किस रीजन से हमारे ये एरर आता है। तो अगर आपको भी सोल्यूशन जानना है और रीजन पता करना है कि किस रीजन से आपका ये एरर आता है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे सेट कर देना, जिससे आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस डिटेल से बात करेंगे एंड जो नोटिफिकेशन है SBI मुद्रा लोन की ओर से एंड उसका जो लिंक है मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके इस नोटिफिकेशन आप खुद भी इसको रीड कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा जो एक्सप्लेन है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कर देता हूँ कि किस वजह से आपका ये एरर आता है। तो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं और आपके जो भी मन में डाउट होता है कि हमारा क्यों नहीं हो रहा, हमारा तो 18 साल एज भी है, हमारा कोई लोन भी एक्टिव नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे बात करेंगे कि क्यों आपका एरर आता है, कैसे आपका इसका सोल्यूशन होगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड आपको हर एक एरर के लिए अच्छी अच्छी डिटेल में बताऊंगा और इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, इसके रीजन भी आपको बताऊंगा। क्योंकि इसका जो अपडेट है अपने मोबाइल फोन के अंदर मैंने सेव करके रखा है वो अपडेट को, और यहाँ पे आपको रीड करके थोड़ा सा मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के जरिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो क्राइटेरिया होता है, सबसे पहले होता है कि हमारा 18 साल हमारी एज होनी चाहिए और 18 साल से लेकर 60 साल तक हमारी एज होनी चाहिए तो हम SBI मुद्रा लोन ले सकते हैं। ओके, ये सबसे पहला रीजन हो गया। अब बहुत सारे लोगों को इसका पता भी होगा, नहीं बताया उनके लिए भी बता देता हूँ, इसके 18 साल मिनिमम हमारे 18 साल एज होनी चाहिए। एंड यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए तो एवरेज सेल हमारी एक इसके अंदर ऑप्शन आता है। अगर आप भी अपना फॉर्म फिलअप करते हो तो वहाँ पे भी आपको एक मंथली एवरेज सेल का एक ऑप्शन आता है और यहाँ पे आपको एनुअल सेल का भी आता है कि 12 महीने के अंदर आपने कितनी सेल की। ओके, तो उसमें आपको 31.25% आपके अकाउंट में डिपोजिट होनी चाहिए और बाकी जो आपका है वो केस में भी कर सकते हो। तो आपकी जो 6 मंथ की है या फिर 1 ईयर का जो ट्रांजेक्शन देखते हैं वो आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपने मंथली एनुअल सेल में आपने 1,20,000 डाला तो उसका जो परसेंटेज होता है वो आपका 6 मंथ से मैच होगा कि आपका 6 मंथ में कितना हो रहा है। तो सबसे पहले ये भी रीजन है। एंड एरर के लिए भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्राइटेरिया का आपको दो ध्यान रखना है, आपकी जो मंथली सेल है वो आपके अकाउंट में भी डिपोजिट होनी चाहिए। ओके, तो आपका जो 31% मंथली में 31% आपका अकाउंट में जमा होना चाहिए, तब जाके आपकी जो मंथली इनकम है, जो आपकी एनुअल इनकम होगी वो 50,000 से ज्यादा की जाके होगी। ओके, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में अब रीजन के बारे में बात करते हैं, रीजन क्यों आते हैं, हमारे एरर क्यों आते हैं, इसका रीजन क्या है। और जो हमारा अप्लाई करते हैं, हमारा कोई लोन भी एक्टिव नहीं होता है, नहीं हमने कभी पहले लोन लिया होता, हमारी एज भी 21 साल होती है, एंड उसके बाद भी हमारे एरर क्यों आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने कहीं भी एप्लीकेशन लोन में ट्राई किया होगा या एप्लीकेशन आपका लोन चल रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको SBI मुद्रा लोन नहीं मिलेगा। ओके, अगर आपका कोई एप्लीकेशन लोन चल रहा है या फिर आपका कोई बजाज से लोन चल रहा है तो बजाज वालों के लिए स्पेशल है कि बजाज का अगर जिसका लोन चल रहा है जिसका मुद्रा लोन नहीं होगा, एंड जिनका आपका व्हीकल लोन या चल रहा है और जिनका होम लोन चल रहा है, जिनका गोल्ड लोन चल रहा है, उनका भी नहीं होगा। और SBI जिनका जो SBI का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नहीं क्रेडिट कार्ड अगर यूज करते हो तो उनका भी SBI मुद्रा लोन नहीं होगा, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनका मुद्रा लोन नहीं होता इसमें, तो उसकी वजह से भी आपका एरर आता है। अगर फिर भी आपके अकाउंट में आपके ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट है, आप क्रेडिट कार्ड भी यूज नहीं करते, आपकी एज भी सही है, उसके बाद भी एरर आता है, तो उसके भी 10 से 12 रीजन है जो आपको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको भी डिटेल में जानना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां जाके इसको वीडियो के कंप्लीट देखने के बाद में वो PDF भी आप रीड कर सकते हो। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि नया जो एरर आता है क्यों आता है। ओके, तो इसमें कई एरर है कि अगर आपका मल्टीप्लाई लोन होते हैं, अगर आपका डिफरेंट कोई लोन एक्टिव होते हैं तो उसकी कंडीशन भी नहीं होता है। एंड आपका जो सिविल है, आपका सिविल के अंदर DPD शो नहीं होना चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया और काफी वीडियोज में पहले बताया कि आपका कोई DPD है शो नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपका कोई ओवरड्यू लोन, काफी पुराना लोन चल रहा है वो अगर वो सिविल में शो कर रहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका सिविल एकदम सही है तभी आपका लोन होगा। एंड उसके बाद में बात करते हैं जिनका सिविल भी अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जिनका सिविल भी 7,500 प्लस होता है, अकाउंट में ट्रांजेक्शन भी 1,00,000-1.5 लाख से ज्यादा होती है, एंड अगर बात की जाए तो उनकी एज और सब कुछ क्राइटेरिया एकदम फुल क्राइटेरिया वो फॉलो करते हैं, उसके बाद में लोन क्यों नहीं होता। एंड उसका भी एक रीजन है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो 6 महीने में अगर 2.5 लाख 3 लाख से भी ज्यादा है तो भी आपका लोन नहीं होता है, क्योंकि इसमें ये भी रीजन है, इसमें मैक्सिमम ट्रांजेक्शन आपकी होनी चाहिए, मतलब कि 2 लाख के समथिंग अगर 6 महीने में देखा जाए तो कम से कम भी 1.5 लाख से 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उस कंडीशन में भी आपका है तो आप फिर आपका लोन नहीं होगा। आपकी अगर सिविल भी अच्छा है, आपका ट्रांजेक्शन भी अच्छा है और ज्यादा हैवी ट्रांजेक्शन भी नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि मुद्रा लोन है, अगर आपका ज्यादा हैवी ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें आपका मुद्रा लोन है जो नहीं होगा और उसमें आपको एरर देखने को मिलेगा। ओके, एंड इसके बाद में एक विंटेज वाला है कि आपका जो विंटेज है, ओके, तो विंटेज इसमें प्रूफ तो मांगता नहीं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकला यहाँ पे। अब इसके बाद बात करेंगे
कि आपका जो मल्टीप्लाई अकाउंट है, अगर सेविंग और करंट अकाउंट है आपका, एसबी का सेविंग और करंट दोनों अकाउंट है, तो उसमें भी मुद्रा लोन नहीं होता है। एंड एक एरर है कि एक रीजन और भी है, अगर आपका कोई ज्वाइंट अकाउंट होता है तो उसमें भी आपका एसबी मुद्रा लोन है वो जो नहीं होगा। और 6 मंथ ओल्ड का आपको बताइए कि हमारा अकाउंट है वो 6 मंथ प्लस ओल्ड होना चाहिए, तभी हमें एसबी मुद्रा लोन मिलेगा। एंड इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है, हमारा आधार कार्ड का, पैन कार्ड का जो सीआईएफ नंबर होता है, एक सीआईएफ नंबर भी मल्टीप्लाई होते हैं, अगर आपका सीआईएफ नंबर जो मल्टीप्लाई होता है तो उसमें भी आपको ये एरर देखने को मिलता है। एंड आपकी आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल है जो मिसमैच होती है उसकी वजह से भी आपको ये एरर देखने को मिलता है। एंड इसके बाद में अगर आपका एक और भी इसमें एरर है, ओके, कस्टमर डाटा रेफरेंस, अगर आपका कोई वेयर रेफरेंस जो मिसमैच है और वेल्ड, अगर आपका कुछ डाटा भी मिसमैच होता है इसमें, डेट ऑफ बर्थ को लेके या फिर या फादर्स नेम को या फिर मदर्स नेम को, तो उसमें भी आपका जो है मुद्रा लोन नहीं होगा, उसमें भी आपको सेम एरर देखने को मिलेगा। तो इसके काफी सारे रीजन है, मैंने तो 10 से 12 बताए हैं, जबकि इसके 15 से 16 रीजन है इसके। एंड विंटेज का भी है इसमें, एज का भी है, अगर आपकी एज है जो 18 ईयर्स चल रही है, ओके, इसमें 18 ईयर्स प्लस 18 साल प्लस होनी चाहिए, क्या नहीं कि मेरा सर 18 साल चल रहा है तो फिर मेरा लोन हो जाएगा, 18 साल प्लस आपकी एज हुई तभी आपका मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हो। इसमें और भी है कि पॉजिटिव लोन आप पे जो एक्टिव है वो नहीं होने चाहिए, और इसके अंदर एक हाई सीआरएफ हाई मार्क्स अकाउंट टाइप नोक्टे, तो इसमें अगर आपकी इंक्वायरीज है वो इंक्वायरीज भी आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि आज अप्लाई किया मुद्रा लोन और इसमें एरर आ गया तो वापस से ट्राई करेंगे, दिन में 15 बार 20 बार, महीने में कम से कम 100 बार ट्राई कर देंगे, उसमें उसके बाद में भी एरर आएगा, तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके फॉर्म में एरर आता है तो आपको एक बार से ज्यादा ट्राई नहीं करना है, या फिर लास्ट 2 बार ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद में आपको कम से कम भी 10 डेज का गैप देना, उसके बाद में आपको ट्राई करना है। और आपकी जो ट्रांजेक्शन वो एटीएम से ट्रांजेक्शन एंड डायरेक्ट बैंक से डिपॉजिट और विड्रॉल करना आपको जरूरी होता है, इसमें फोन पे और पेटीएम वाले ट्रांजेक्शन वो कम मानी जाती है। अगर आपको आपका सब कुछ सही होने के बाद भी आपका लोन नहीं हो रहा है तो आप कुछ टाइम के लिए एटीएम से ट्रांजेक्शन करो, अब एटीएम से विड्रॉल करो पैसे और डिपॉजिट बैंक से करो, तब जाके आपका थोड़ा जो इसका मेंटेन है वो अकाउंट आपका सही हुआ, उसके बाद में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ अपडेट थे, अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां जाके इस वीडियो को आप रीड भी कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे शेयर कर देना, जिससे आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।